राम के सबसे प्यारे भगत है। विभीषण क्या कहता है, आज मोय भा भरसा हनुमंता, तीनों हरि कृपा बिना मिल ही नहीं सकता। आज मुझे लगता है राम जरूर मुझे मिल जाएंगे। बोले क्यों? बोले जब तक उसकी साधु का कृपा नहीं होना तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। हनुमान राम के सबसे प्यारे भगत हैं, सबसे प्यारे भगत हैं। बोले जब श्री हनुमान का दर्शन हो गया, राम तो मेरे को मिल गए, राम मेरे को मिल गए राम। इसलिए यहाँ पर श्री सोनकादि ऋषि लोग कह रहे हैं, आज तो हमारे भाग्य जग गया। बोले क्यों? बोले आज बड़े एक संतों का दर्शन हो गया। किसकी? श्री सुत गोस्वामी के दर्शन हुआ। उनका आसन दिए, आसन देकर के बैठाए, तब उन लोगों ने प्रश्न किए। बोले हे श्री सुत गोस्वामी, आप गुरु जी की कृपा से जितने वेद पुराण उपनिषद सब कुछ आप अध्ययन किया, किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? बोले गुरु जी की कृपा से। मतलब है अगर कोई सोचेगा अरे साधु भागु गुरु भूर जरूरत नहीं, हम क्या कम लिखे पढ़े जानते हैं? हमने संस्कृत में PhD किया है, संस्कृत में हमने PhD किया है, हम क्या शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं? अपने आप पढ़ लेंगे, ये साधु भागुओं की कोई जरूरत नहीं। बोले नहीं, जब तक हम साधुओं की कृपा नहीं होना, शास्त्र पढ़ कर कोई मरते हैं और शास्त्र पढ़ कर कोई तैरते हैं। जैसे समुद्र मंथन किया उससे पहले जहर ही निकला। अगर बगैर साधु के अगर ग्रंथ पढ़ेंगे ना, बोले भैया उसमें जहर ही जहर निकलेगा, अमृत नहीं निकलेगा। वो अमृत तभी निकलेगा जब किसी साधु की आनुगत्य में पढ़ेंगे। जैसे एक बच्चा स्कूल नहीं तो कॉलेज में पढ़ता है, उसको पास में तो पुस्तक होता है, वो क्या अपने आप पढ़ लेता ना, किसी टीचर को पास में जाता है? बताओ, कोई टीचर को पास में जाता ना, अपने आप पढ़ लेता है? कोई अच्छे कोई एक्सपर्ट टीचर को पास में जाता है तभी वो पढ़ सकता है, अपने आप पुस्तक को स्टूडेंट पढ़ नहीं सकता है। बोले आप तो गुरु जी की कृपा से ही ये सारी वेद पुराण उपनिषद का अध्ययन किया, आप कृपा करके बताओ हमारे कल्याण कैसे हो। तब उन्होंने उनको 6 प्रश्न किया है और जो 6 प्रश्न का जो उत्तर है ये श्रीमद् भागवत है। अभी ध्यान से करके सुना, वो 6 प्रश्न किया है। पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिले? ये पहला प्रश्न है। देखो हम जीवन में जो कुछ करते हैं शांति सुख के लिए, है ना? पढ़ाई लिखाई क्यों करते हो? शांति सुख के लिए। नौकरी चाकरी क्यों करते हो? शांति के लिए। दुकान मकान घर क्यों बनाते हो? शांति के लिए। बच्चों को कोई जन्म देते हो? शांति के लिए, है ना? शांति सुख के लिए सब कुछ करते, घर में शांति सुख आए। लेकिन क्या अभी तक शांति सुख मिला है? इसको पूछो ठीक ठाक हो मुंडी हिलाए, लेकिन अंदर की बात पूछो, कोई बोलेगा तन से दुखी, कोई बोलेगा मन से दुखी, कोई बोलेगा धन से दुखी, कोई बोलेगा बीबी से दुखी, कोई बोलेगा सास से दुखी, कोई बोलेगा ननद से दुखी, कोई बोलेगा काम से दुखी, कोई बोलेगा पड़ोसी से दुखी, कोई बोलेगा जमींदारी से दुखी, कोई बोलेगा मकान से दुखी, कोई बोलेगा ऑफिस से दुखी। देखना दुखी 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 दुखी। इसलिए जो मूल है जीवन में, जो उद्देश्य किया जीवन में शांति कैसे, हमें जीवन में शांति सुख मिलेगा। इसलिए घर में अगर बहुत पैसा लेकिन घर में शांति सुख नहीं, वो पैसा की कोई महत्व नहीं है। घर में सब कुछ है, बेटा बेटी नाती पोती सारा दुनिया, लेकिन अगर घर में शांति सुख नहीं तो उस चीज को कोई महत्व है? अगर 2 रोटी में अगर तुम्हें शांति मिलती है, 2 रोटी में, 2 सूखे रोटी में अगर शांति मिलती है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। इसलिए जगत में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? शांति। इसलिए इनका यही प्रश्न है, जीवन में हमें शांति सुख कैसे मिलेगा। दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि जब तक हम ठाकुर को प्राप्त नहीं करेंगे ना, तब तक जीवन में शांति सुख नहीं मिलती है। तीसरा प्रश्न है, भगवान कृष्ण की हमें कथा सुना। भगवान कृष्ण एक होने पर 3 कृष्ण, उनका 3 धाम है, एक द्वारका धाम, एक मथुरा धाम और एक ब्रज धाम। भगवान की ये 3 धाम है, ये 3 धाम कृष्ण की कथा सुना। चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जता जता ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अद्भुतान मधर्मस्त जगात्मन सृजम। उनके सारे अवतार पर कथा सुनाओ, भगवान राम कैसे आए, रावण को कैसे मारे, नरसिंह भगवान कैसे आए, प्रहलाद को कैसे रक्षा किया, कैसे श्री मत्स्य अवतार में वेद को उद्धार किया, कुरुम अवतार में पृथ्वी को उद्धार किया, बामन अवतार बलि महाराज की कृपा की। हमें भगवान के सारे अवतारों की कथा सुनाओ। उनका जो पंचमा प्रश्न है, भगवान की अद्भुत जो जस है उनकी जो पराक्रम की कथा सुनाओ। छठवां प्रश्न है, भगवान जब ये दुनिया छोड़ करके चले गए, अभी कलयुग में धर्म कहां पर आश्रय है, कृपा करके हमें ये सारे प्रश्न का उत्तर दो। जब उन्होंने ये प्रश्न की, ये प्रश्न सुनकर के श्री सुत गोस्वामी जिनके रोम रोम खिल उठा, बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है ये जितने प्रश्न है ना सब भगवत संबंधी प्रश्न है। शिक्षा देते हैं किसी साधु को पास में जा करके ये दुनियादारी की कोई प्रश्न मत करो, क्योंकि साधु कौन है, साधु हुए हैं जो 24 घंटा जो भगवत कथा भगवत चिंतन प्रभु की भजन में जो डूबे रहते हैं, ये साधु है। अगर इनको प्रसन्न करना चाहते हो ऐसे प्रश्न करो जैसे प्रभु की चर्चा हो, जिसमें ठाकुर जी की चर्चा हो, दुनिया की चर्चा संत को सामने नहीं करनी चाहिए। इसे इनकी प्रश्न सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। खुश होकर के बोले, पहले मैं अपना गुरु जी की चरण को प्रणाम करते हुए वंदना करके तुम्हारी प्रश्न का उत्तर दूंगा। यहाँ शिक्षा देते हैं, कोई भी काम करते हो सबसे पहले क्या करो, पहले गुरु जी की चरण की पूजा करो, फिर ठाकुर जी की चरण की पूजा करनी चाहिए। कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लाग पाऊं, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए। पहले गुरु जी की चरण, फिर ठाकुर जी की चरण, अभी श्री गुरु जी की चरणों को प्रणाम करते हैं। बोले बंदो गुरु पद पदो मा परागा, गुरु पद पदो मा सागर से पार हो जाता है। देखो मैं एक छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, जो कोई घर में आते हैं ना सबका राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलता रहता हूँ, अभी तक ये छोटे सा पिंजरा से मेरी मुक्ति नहीं हुई। अगर तो भव सागर से पार हो जाता झूठ चुप कर, वो बाबा तो चुप हो गया, कोई आंसर नहीं दे भाई। वो भी घर में आया, घर में आकर जो बड़े गुरु जी थे, बोले गुरु जी मैं उसी घर में कथा सुना रहा था, मैंने कहा जो ठाकुर जी का नाम लेते ही वो भव सागर से पार हो जाता है, और एक छोटा सा पिंजरा में एक तोता रहता था। बोले बाबा क्यों रहो, तुम झूठ मूठ बात कर रहे हो, मैं ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, मालिक जब जब घर में आता है तब तक मैं सबको राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, अभी तक ये पिंजरा से उधार नहीं हुई, और भव सागर तो बहुत बड़ी बात है, मेरे को तो चुप करवा दिया। बोले ठीक है,
मैं कल तेरे साथ में चलता हूँ, जब तू कथा सुनाओ मैं तोता के पास में खड़ा रहता हूँ। फिर चिल्लाने बैठ करके फिर कथा सुनाए, जो व्यक्ति ठाकुर जी के नाम जप करता है वो भव सागर से पार हो जाता। फिर तोता वही बात बोला, बोले चुप रहो, क्यों सब झूठ मूठ का बात बोल रहे हो, अभी तक भी ये पिंजरा से मेरी उधार नहीं हुई, भव सागर बहुत बड़ी बात। इतने गुरु जी पास में खड़ा हुआ था, बोले देख बेटा इसलिए तेरे को ये पिंजरा से मुक्ति नहीं मिल रही है, चूंकि तू जो नाम जप करता है ना किसी सदगुरु से तुमने ग्रहण नहीं किया। अगर किसी सदगुरु से नाम लेता तेरे उधार हो जाता, लेकिन किसी गुरु जी से तो नाम लिया ही नहीं, तेरे उधार कैसे होगा। तोता ने कहा फिर आप ही मेरे को नाम दे दो। तो गुरु जी ने उसको कान में ठाकुर जी का नाम दे दिया और कुछ मंत्र पढ़ दिया। बोले देख बेटा जब तक ये पिंजरा में तुम जिंदा रहने का बहाना बनाओगे ना मुक्ति नहीं मिलेगी। एक काम करना, जब ये कथा खत्म हो जाएगी तुम मरने का बहाना बनाना, जैसे तुमने प्राण छोड़ दिए, जब प्राण छोड़ दी पिंजरा से निकालेंगे, निकाल कर तेरे को अर्थी में ले जाएगी, जब ले जाएगी फिर लेकर उड़ जाएगी। इतने में जब ये कथा समाप्त हो गई वो तोता ने बहाना बनाया जैसे मेरी मृत्यु हो गई, बस वहीं पर लुढ़क पड़ा। लोगों ने बोले वाह देखो ये तोता कितने बड़ा पुण्यात्मा है, जो कथा सुनते सुनते ठाकुर जी की प्राण त्याग दिया, चलो इसको अर्थी निकालते। अभी पिंजरा से निकाल करके अर्थी में बैठाए, सुंदर गले में फूलों की माला पहनाए, जब राम नाम सत्य करके ले जा रहे थे ना, इतने में जो तोता था फर कर उड़ गया। जो उड़ते हुए जा रहा था साधु ने पूछा क्यों तोता, गुरु जी से नाम लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं। बोला हाँ, अभी मेरे को पता चला जब तक गुरु जी से हरि नाम नहीं लेंगे तब तक जीव को मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ पर श्री सुख श्री सुतो गोस्वामी सबसे पहले अपना गुरु जी की चरण की पूजा करते हैं। बोले मेरे गुरु जी कौन है, बोले जन प्रभजन तम अनुपेत अपेत कृतम। साधारण बच्चा मैया के पेट में 9 महीना रहता है, लेकिन मेरे गुरु जी 16 साल तक रहे, गर्भ से निकलना नहीं चाह रहे थे, गर्भ में बैठ बैठ करके प्रभु की भजन कर रहा था। आप पेट में बच्चा आप लोग को धारण किए होंगे, 9 महीना तक बच्चे को धारण कर माता को कितना कष्ट होता पता होगा। अगर कोई बच्चा अगर तुम्हारे पेट में 16 साल तक रह जाए, इतने में श्री व्यास देव जी बोले, बोले बच्चा क्यों मैया को कष्ट दे रहे हो, बेटा गर्भ से निकल करके आ जा। बोले गुरु जी मैं आना नहीं चाहता हूँ। बोले क्यों, बोले ये माया की संसार है, गर्भ में हर बच्चा 7 महीना होने पर उसको ज्ञान आता है, उसको चेतनता आ जाती है 7 महीना में। जब उसको चेतनता आती है वो देखता है, कहते गर्भ में आना नरक में आना बराबर है, क्योंकि गर्भ में टाटी पेशाब खून पिक से भरा पड़ा हुआ रहता है, टांग ऊंचा सर नीचा रहता है। देखना गर्भ में बच्चे रहते हुए माताओं को चटपटी चीज अच्छी लगती है, मीठा खट्टा नमकीन चीज, वो भी बच्चे को शरीर में लगता है, कीड़े भी काटते हैं, कोई कोई बच्चा तो गर्भ में ही प्राण त्याग दे देता है। इसलिए वो सोचता है मैंने किया पूर्व जन्म में पाप कर्म की, ये गर्भ में मेरे को आना पड़ा, हजार हजार जन्म की उसको बाद याद आता है। ठाकुर जी को बोलते ठाकुर जी जल्दी जल्दी नरक से निकाल दो मेरे को। ठाकुर जी बोले बताओ अभी क्या करोगे, ध्यान दे कृष्ण कल गर्भ से निकल कर क्या करोगे। बोले मैं समझ गया दुनिया में कोई किसका नहीं है, सुख का समय में पिता माता भाई बंधु सबके सब थे, लेकिन कर्म का फल कोई नहीं ले रहे हैं, ये कर्म का फल तो मेरे को अकेला ही भोगना पड़ रहा है, सब कहां बीवी बच्चे पति है कहां, ये सब झूठा संसार है, मतलब का संसार है। अगर एक बार मेरे को जन्म दोगे ना मैं कान पकड़ता हूँ, कभी ये झूठे संसार में नहीं घुसूंगा, उठते बैठते सोते तेरे नाम लेते रहूंगा। बोले सही सही बता रहे, बोले एकदम पक्का है। बोले देख बेटा अगर भूल जाओगे ना बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे, बोले जब एक बाल पक जाए ना ये मेरे फर्स्ट वार्निंग है। अब लोग देखना जब एक बाल पक जाए हमारी हम क्या करते हैं, वो बाल को उखाड़ देते हैं। बोले इतनी जल्दी हमें बूढ़ा बूढ़ी बना रहे, हमारे कुछ नहीं हुआ है। अगर 2 बाल पक गया उखाड़ देंगे, 3 बाल पक गया उखाड़ देंगे, लेकिन जब खिचड़ी बन जाती है फिर मेहंदी लगा करके पहले काला कर देते हैं, कलर लगा कर काला कर देते हैं, कहते अभी थोड़ी हम बुरा बोले हमारा कुछ नहीं हुआ।
भगवान कहते दूसरा वो आदमी की दुखा, बोले क्या दोगे, बोले आंखों में देखते हैं कमजोरी आ जाती है, बड़े बढ़िया चश्मा लगा लेते हैं हीरो बनते हैं। बोले तीसरा वो आदमी की दुखा, बोले क्या करोगे, बोले एक एक दांत तोड़ना शुरू करूंगा, फिर बढ़िया डेंटिस्ट के पास में जाकर के फिर बढ़िया दांत लगा लेते हैं। बोले तुमको फिर चौथा वो आदमी की दुखा, बोले क्या दोगे, बोले डंडा पकड़ना शुरू करो, दो प्यार से तीन प्यार हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन इसकी वार्निंग हम नहीं सुनते हैं, भगवान कहते हैं फिर तो ठीक की वार्निंग, फाइव वार्निंग नहीं दूंगा तेरे को, फिर तो राम नाम सत्य है। इसलिए हम सबके साथ माँ की पेट में कसम खा करके आए, क्या कसम खा करके आए, बोले प्रभु तेरे जरूर हम भजन करेंगे, तेरे हम जरूर नाम लेंगे, तेरे भक्ति करेंगे, ठीक है ना। इसलिए समय रहते रहते क्या करनी चाहिए, फजूल की बात नहीं करके, उल्टा पुल्टा बात नहीं करके क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी की भजन करो। उसकी बेटी ऐसे कर रही थी, उसकी बहू ऐसे कर रही थी, उसका घर छोरा ऐसे कर रही थी, दुनिया की बात नहीं करके माला लेकर के क्या करो, ठाकुर जी की नाम जप करनी चाहिए। एक बार हाथ उठाओ, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जोर जोर बोलो कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कर बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या था, आत्मा को शांति कैसे मिले, आत्मा को शांति कैसे मिले, ध्यान दे कृष्ण, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हम सबके सब जीवन में शांति सुखी चाहते हैं जीवन में, इनका पहला उत्तर है बोले सबई पुंसाल परो धर्म जत भक्ति रथोत्सगे आहाय दुखी अप्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। आत्मा को तभी शांति मिलेगा, कब शांति मिलेगा, जब हम ठाकुर जी की शरण में जाएंगे, ठाकुर जी की शरण में जाएंगे तभी जीवन में हमें शांति सुख मिल सकती है। क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव विनाश, हम सब ठाकुर जी के बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं ना तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविण तमेव तमेव सर्वम मम, हमारे पिता माता ही भगवान है। लेकिन चूंकि उनका भजन को हमने छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दिया, इसलिए ये माया के संसार में हम आ गए, ये जेल में हम आ गए। अगर फिर हमने ठाकुर जी के चरण में दोबारा शरणागति हो जाए, ठाकुर जी हमारी अपराध हो गया है, अभी मेरे अपराध को माफ करो और अपना चरण में स्थान दे दो, बस ठाकुर फिर गोद में भर ले, बोले भैया तू तो मेरा ही संतान है, मैं तो यही चाह रहा था, सारी संपत्ति का मालिक तू बन, लेकिन तू मेरे को छोड़ करके ये माया में तुमने फंस गए। इसलिए क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी के चरण में हमें दोबारा शरणागति हो जानी चाहिए। हमें देखो एक छोटी सी कहानी सुनो, बोले एक समय में कोई एक राजा था, राजा का कोई एक छोटा बच्चा था, सैतालीस दिन में थोड़ी सी कथा सुना दो, थोड़ी सी हरि नाम के ऊपर सुना देना, हरे कृष्णा तुम भी थोड़ा सुना देना, ठीक है, हाँ देखो हम शांति जीवन में कैसे मिलेगी, इस चीज को सुना। बोले कोई राजा था, राजा का एक छोटा बच्चा था, ये क्या हुआ, छोटा बचपन में दुष्ट लोगों ने पैसा के लोभ से उसको किडनैप कर लिया। राजा तो बड़ा दुखी, घर में एक ही बेटा था जो राज सिंहासन को संभालने वाला था, लेकिन तो भाई किडनैप हो गया, राजा तो बड़ा दुखी, भविष्य में राज सिंहासन को कौन संभालेगा। एक दिन उसको घर में कोई एक साधु आया, बोले महाराज ठीक ठाक हो, बोले क्या ठीक ठाक, हम तो बड़े बड़ी है, मेरे बेटे को बचपन में किसने किडनैप करके ले गया। लेकिन साधु त्रिकाल दृष्टा था, ध्यान लगाया बच्चा गया था, ध्यान लगाकर सब कुछ उसने देख लिया, बोले तेरे बेटा अभी जिंदा है, बोले जिंदा है अभी, बोले जिंदा भी और ठीक ठाक भी है, बोले बताओ अभी वो कहाँ पर, अभी अभी मैं इसको ले आता, बोले महाराज ये गड़बड़ी भी है, बोले क्या गड़बड़ी, बोले जो छोटा बच्चा था ना तभी उसको उठा करके ले गए, अब बच्चा तो बड़ा हो गया,
अभी वही लोग जो उठा करके ले गए थे वो लोग कह रहे हम तेरे पिता माता, उसको असली पिता माता की परिचय उसको दिया ही नहीं, इसलिए अभी उनको ही वो पिता माता बोल रहा है। अगर आप उसको ले आओगे ना आपको मानेगा नहीं, आप उसको पिता माता। अगर आप बोलोगे मैं उसको घर में जाता हूँ, उसको समझाता हूँ, अगर वो व्यक्ति समझ गया बेटा फिर उसको ला, बोले बाबा आप तो बड़ी कृपा हो। वो संत गए उसको अकेला देख ले, बोले तेरे घर कहाँ है, छोटी सी झोपड़ी थी, बोली ये घर है, बोले पिता माता कौन, जो डाकू थे ना, बोली ये मेरी पिता माता, बोले देख बेटा ये तेरे कोई पिता माता भी नहीं तेरा घर भी नहीं, बोले क्या बता रहे हो, बचपन से तो यही देख रहा हूँ, बोले यही तो मैं समझा रहा हूँ, देखना पिता माता को चेहरा में बच्चे का चेहरा मिलता मिलता कि नहीं, हम कहते हैं ना देखो भैया की चेहरा आया है, कहते इसको देखो इसको पिताजी की चेहरा आया है, कभी कभी देखना पिता माता का दोनों मिला हुआ बच्चे में चेहरा आता है, दोनों मिला हुआ आता है, कहते उसका नाक देखो भैया जैसे, उसको दांत देखो पिता जैसे, कभी कभी आता है ना, कहते देख तू कितने सुंदर लंबे चौड़े कौरव वर्ण के, और जिसको तू पिता माता कह तो चेहरा मिला कर देख वो तो गुंडे बदमाश तो लग रहे बड़े भयंकर देखने में, और तू देख कितने लंबे चौड़े, बोले फिर बोले तेरे जो पिता माता है ना देश का राजा रानी है, ये बचपन में पैसा के लोभ से तेरे को किडनैप किया है, तेरे को असली बात बताया नहीं, तू तो ये कुटिया में रह रहे हो रोज जो छापान भोग छत्री से व्यंजन खाने वाले, एक दिन ये देश का तू राजा बनने वाले हो, जाओगे पिता माता के पास में, बोले हम तो जाना चाहता हूँ। जब वो मान गया ना ये बात को, फिर उसने आकर के साधु महाराज को समझाया, तेरे बच्चे को हमने समझा बुझा दिया है, अभी तेरा बच्चा आना चाहता है, जाओ अमुक जगह पर जाओ, चारी तरफ में सैनिक को लेकर के जाओ, घेराव करो और उसको जेल में बंद करो, डाकू बदमाशियों को, और बच्चे को वापस ले आओ। जब उसने बच्चे को वापस लाया ना, राजमहल इसका घर है, कितने नौकर नौकरानियां घर में काम कर रही है, रोज छापान भोग छत्रीस व्यंजन खाने वाला, अभी तो राजा थे इसका बने। देखो उसी तरह हम जगत में जितने जीव है हम किसके संतान है, बोले अमृतस्य पुत्र, हम भगवान के औलाद है, हम साधारण घर का औलाद नहीं, लेकिन हम सबके सब किडनैप हुए, सबके सब किए हुए किडनैप हुए हैं, हम जिसको अभी घर कह रहे हैं ना ये तुम्हारे घर नहीं है, ये तुम्हारी दुकान वकान नहीं है, एक दिन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, हमारे पिताजी के पिताजी जो थे ना वो भी गए, एक दिन हम भी जाएंगे दुनिया से, लेकिन पिता हमारे भगवान कृष्ण हैं, जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, जहाँ पर वृक्ष कल्प वृक्ष पानी अमृत है, जहाँ भूमि चिंतामणि, जहाँ पर जन्म मृत्यु दुख कष्ट कुछ भी नहीं, लेकिन चूंकि हम किडनैप हुए हैं, देखो लेकिन उनको ये बात कौन समझाता है, वो साधु जाकर के समझाते हैं, लेकिन साधु कौन है, ये सद्गुरु है, ये सद्गुरु आकर के समझाते, बोले बेटा ये तेरे घर नहीं है, तू तो रहने वाले ठाकुर को पास है, तू तो उनकी बच्चे हो, अभी तुम किडनैप होकर के कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए हो, बोले जाओगे उसको पास में, बोले हाँ जाऊंगा, मेरे को ले चलो, अभी प्रश्न है फिर हम जाएंगे कैसे। जो दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, बोले जाएंगे कैसे, कलयुग में जाने का केवल एक उपाय है, हरे कृष्ण बोलो हाथ उठा करके, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे, बार जोर कर बोला, बोले हरे परिश्रम करने का जरूरत नहीं। हमारे बीच में आपकी एक औरत गुजरी है, हमारी ये सरिता दीदी है।